हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है 45 प्लस ऑनवर्ड्स लोगों पर, जो कि सेकंड इनिंग्स की रीडिंग मैंने की थी, वो बड़ी सक्सेसफुल रही थी, और उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम्स अपलोड की। और ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, लेकिन उसके लिए आपको 45 प्लस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है आपकी, क्या न्यूज़ अहेड है, क्या करना चाह रहे हैं आप, व्हाटसो एवर। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। सही, लेट्स स्टार्ट। Forty-five onwards, second innings। अब तो ज़िंदगी इतनी, उम्रें इतनी छोटी हो गई हैं कि अब तो 30 को भी जो है वो सेकेंड इनिंग्स कह सकते हैं, बिकॉज आई केम अक्रॉस बहुत ही, मैंने यंग लोगों को अभी जब से 2023 स्टार्ट हुआ है, मेरे बहुत से करीबी जानने वाले इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए, तो अब सेकेंड इनिंग्स जो है वो कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि वो पहले कहा जाता था कि 60s 50s के बाद शुरू होगी, बट टाइम इज़ वेरी, लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। खैर, खुदा ताला ने जिसका जो वक्त मुतय्यन किया हुआ है वो उसी वक्त जाएगा। सेकेंड इनिंग्स 45 onwards की हम रीडिंग कर रहे हैं, 45 onwards की हम रीडिंग कर रहे हैं। गिव मी वन मोर कार्ड, वरना फिर मैं इंट्यूटिवली निकाल लूँगी। दो कार्ड्स आ गए हैं, वन मोर कार्ड। ऑलराइट, क्या हो गया भाई? द डेविल, आजकल डेविल बहुत देने भाई। एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। कैप्रिकॉन, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मैं डेविल को देखकर अजीब सी हो गई। कैप्रिकॉन, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इट लुक्स लाइक के आप जो हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आप यानी किसी ने आपको ऐसा आके हिलाया है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे हो गए ये। मतलब कीपिंग इन माइंड किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड देन अ डेविल। ऑन दी अदर पार्ट, अगर इसको लेफ्ट टू राइट के बजाय, अगर राइट टू लेफ्ट के बजाय अगर लेफ्ट टू राइट लेकर जाएं, तो आपने अपने किसी एडिक्टिव पैशन पे, यानी जो चीज़ आपको एडिक्ट बना रही थी, ऑब्सेस्ड करवा रही थी, जो कि समहाउ एक सॉफ्ट साइड है आपकी पर्सनालिटी का, उस पर आपने कंट्रोल किया है। सख्त हो गए हैं आप, सख्त मिजाज हो गए हैं, अब रोमांस आपको मायने नहीं करता। लेट मी सी, ये डेविल यहाँ पर क्यों है? ओके, आर्ग्यूमेंट हुआ है आपका किसी से, और ये आर्ग्यूमेंट आपके अपने अंदर ही है। आप किसी से ऐसा आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं या ऐसी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं जिससे मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो जाए। आपको किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, किसी की ढिठाई देखकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है।
आप हमेशा आर्ग्यूमेंट को विन करते आए हैं, लेकिन अब की दफ़ा जो आपका वास्ता पड़ा है किसी से, तो वहाँ आपको नील डाउन करवा दिया है किसी ने, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आप इस पर्सन पे गुस्सा निकाल भी नहीं सकते। कोई बहुत खामोशी से आपकी लाइफ से चला गया है, ऐसा इम्प्रेशन देकर कि यू ओ मी एक्सप्लेनेशन, जबकि आप जो हैं वो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आपके दिमाग से एक्चुअली पर्सन निकल नहीं पा रहा। यू वॉन्ट, आप चाहते हैं कि ये पर्सन ओपन अप हो, लेकिन ये ओपन अप नहीं हो रहा। आपके फैमिली में हो सकता है कोई, ये आपका कोई दोस्त हो सकता है। अगर आप खातून हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी और एक मैस्कुलिन पावर एक्टिव हुई हुई है, और अगर आप मेल ही हैं अगर और रीडिंग देख रहे हैं, तो दिस इज समथिंग आपको क्लैरिटी मिली है। आप जानते भी हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरियां बढ़ाएगी, लेकिन आप इसको डील बहुत प्रैक्टिकल वे में करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जिसके साथ भी आपने ये मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग सेट करनी है, वो आपको काफ़ी गुस्सा दिला रहा है, ठीक है? तो आपकी एनर्जी तो अभी ये कह रही है। लेट्स सी मोर, और क्या चल रहा है। बहुत से शेड्स हैं ये, ये आपकी वर्क प्लेस हो सकती है, ये आपके कोलीग हो सकता है कोई, जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सुन के करके अपने दिल में रख के चला गया, और अब आपको एक गुस्सा सा महसूस हो रहा है। यू वॉन्ट के हमारे दरमियान फॉर विद द एस ऑफ कप्स, आप बात करना भी चाहते हैं, आप ऑफ़र देना भी चाहते हैं, आप इसको अच्छे नोट पे कंक्लूड करना भी चाहते हैं, बट लेट्स सी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन बहुत ज्यादा है, टू ऑफ सोर्ड्स। कॉन्टैक्ट नहीं है आपका, कॉन्टैक्ट में आप लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, और दोनों ही का बड़ा सीक्रेट और काफ़ी साइलेंस चल रही है, और आपको ये साइलेंस दिन ब दिन गुस्सा दिला रही है। आप किसी को ओपन अप और ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं, और वो बंदा उतना ही खामोश होता चला जा रहा है। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है इस वक्त, आजकल हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, बिकॉज आप हर्ट हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कॉन्फिडेंस से कह सकते कि आप किस बात पे हर्ट हैं, क्योंकि आप ब्लेम नहीं कर सकते एक्चुअली, ना आप ब्लेम कर सकते हैं, ना आप क्लेम कर सकते हैं, ना इल्ज़ाम दे सकते हैं, और ना दावा कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारी वजह से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपकी जो ये वाली पर्सनालिटी की साइड है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पर्सन का खामोशी से आपकी लाइफ में निकल जाने का, क्योंकि आप ने पहले एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, और अब आपको खुद ही ऑब्सेशन हो रहा है। यस, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट बिहेवियर किसी ने आपके साथ भी किया होगा, लेकिन मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूं, तो मुझे लग रहा है कि ये आप इस वक्त इस तरह के जोन में हैं। अपने आप को थर्ड पार्टी में देखते हुए आपको कंफ्यूजन भी हो रही है कि क्या मुझे इतना ही रिएक्शन देना चाहिए कि मैं थर्ड पार्टी डीलिंग में हूं,
ये आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, अब ये फ्रेंड, ये कॉलीग, ये पर्सन, ये लवर, ये पार्टनर कहीं और एंगेज है, और ऐसा एंगेज नहीं है कि इसकी किसी से दोस्ती चल रही है, या इसकी किसी से बातचीत चल रही है, या इसका कहीं अफेयर चल रहा है, या इसने कहीं और कुछ ज्वाइन कर लिया, या इसने अपना सर्कल डिफरेंट कर लिया। इसने अपने आप को काम में बिजी कर लिया है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया है, और अपने आप को कॉर्नर कर लिया है। तो आप खुद भी ये करते आए हैं, अब जब आपको सिमिलरली एक मिरर नज़र आ रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स यू डेस्परेटली वॉन्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन, बट यू आर कन्फ्यूज्ड वेदर टू टेक द इनिशिएटिव और नॉट, बिकॉज आप भी सीक्रेटिव हैं, वो भी सीक्रेटिव है, आप भी खामोश हैं, वो भी खामोश है, आप भी फाइनेंशियली सेविंग्स को सिक्योर कर रहे हैं, वो भी सिक्योर, बल्कि वो तो डबल मेहनत कर रहे हैं। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म, पैसे का मामला है यहाँ पर, लेन देन का मामला है, दोनों ही हो सकता है आप दोनों के दरमियान किसी पोजीशन को लेकर कंपटीशन चल रहा हो, हेल्दी कंपटीशन, किसी डेजिग्नेशन को लेकर कंपटीशन चल रहा हो, किसी बोनस को लेकर कंपटीशन, जो दोनों इक्वल हुए हैं, बिल्कुल इक्वल हुए हैं, लेकिन आप दोनों जो हैं वो आपस में दूर है। देर इज़ अ पर्सन इन योर माइंड जिससे आपको बातचीत करनी है। लेट सी मोर, और क्या एनर्जी है। 45 प्लस की हम रीडिंग कर रहे हैं, 45 प्लस एज के लोगों की हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। क्रिएशन, पैशन, विक्टम, एक्सेप्टेंस, आपके लाइफ में कुछ भी करते रहने की रिकग्निशन इस पर्सन के थ्रू होती थी। ये ब्लॉग राइटिंग करते हैं, या कहीं पे कुछ पोस्टिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, पोइट्री करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, आपकी और इसके दरमियान कभी कभी ऐसी भी कन्वर्सेशन हुई है कि आपने इसको डांटा हो कि हर वक्त रोना धोना मचाना सही नहीं होता, और क्या हर वक्त रोले डाल रखें, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, जो भी काम करो खुशी खुशी करो, कुछ भी करो, जैसे कहते हैं ना, पुश किया है आपने, और एंड फाइनली दिस पर्सन हैज स्टार्टेड, इन्होंने शुरू किया है, ये जो पर्सन ने साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपकी लाइफ से डिटैच हुए हैं, इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, तन तनहा अपने आप को प्रूव किया है विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बट यस, अब इन्होंने आपसे शिकवा करना, आपके साथ कुछ डिस्कस करना ख़त्म कर दिया, बिकॉज आपने अगर इनको डांटा होगा कि हर वक्त जो है वो तुम्हारा ही, तुम्हारे साथ ही सारे ज़माने भर के रौले होते हैं, और तुम्हारे साथ ही सारे ज़माने भर के दुख चलते रहते हैं, तो निकलो इस चीज़ से बाहर। बट आपकी डांट जो है वो कुछ इस तरह होगी कि जैसे बाज़ दफ़ा होता है ना, इंसान डांट सुनने के मूड में ही नहीं होता कि भाई तुम मुझे कैसे डांट सकते हो, तुमने कैसे डांटा मुझे, तुम्हें डांटना नहीं चाहिए, तुम्हें तो सुनना चाहिए, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लेट्स सी मोर,
डिसेप्शन, धोखा, मेमोरीज, यस, नॉस्टैल्जिया, डिसीजंस, थर्ड आई क्लैरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी लाइफ में अभी किसी को लेकर ट्विन फ्लेम। अभी मैं मिररिंग की बात कर रही थी और हो गया ये बिल्कुल आप ही के जैसा डिटर्मिंड पर्सन आपकी आपको मिरर कर रहा है और अब आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब तो कंफर्म हो गया मुझे, बहुत आपकी अच्छी यादें हैं हिल टाउन पे लेकर, हिल स्टेशन से लेकर, वेदर को लेकर आपको बहुत पुरानी यादें आ रही हैं इस पर्सन के साथ बनी हुई। आपको फील हो रहा है, यू फील लाइक यू नो, आपको नहीं अच्छा लग रहा कि आप दोनों के दरमियान ये धोखा, ये गलत फहमी हो गई है। आप बहुत दफ़ा फैसला कर चुके हैं कि आप आगे बढ़ें, आप बात करें, बट कन्फ्यूजन रहती है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई कम्युनिकेट करवाने का सोर्स बने, किसी और के लेंस से जब आप अपनी ही स्टोरी को देख रहे हैं तो आपको साफ लग रहा है कि आपके दरमियान गलत फहमी पैदा की गई है और गलत फहमी पैदा करते जा रहे हैं। बट इस पर्सन का इतना साइलेंट ट्रीटमेंट है एंड दिस कुड बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या तो ये आप हो सकते हैं खुद या फिर ये पर्सन है। और आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे भी एस ऑफ कप से आप चाह रहे हैं कि आपके और इसके दरमियान बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन आपको गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, आपकी ईगो आड़े आ रही है। देखिए कि कहाँ कुछ हो रहा है। ये अगर आप नहीं हैं तो आपका पर्सन ऐसा है जिसके साथ इस तरह का मामला हुआ है, रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई एक ही पर्सन है 45 ऑनवर्ड्स जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, किसी एक के साथ ही मामला चल रहे हैं। और हम जब इस एज ब्रैकेट में एंटर हो जाते हैं जो 40 प्लस होते हैं, उनका सर्कल मिनिमम हो जाता है, फिर वो बहुत सारे लोगों से डील नहीं कर रहे होते। उससे पहले आप अर्ली 40s में या आप अपने लेट 30s में या आप 30s तक जब तक होते हैं तो आप इन लॉज में, फ्रेंड्स में, यूनिवर्सिटी में, कोलीग्स में, आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे थे, आपका सर्कल इतना बड़ा हो जाता है। अभी जो मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आपके जहन में फॉर श्योर कोई एक ही पर्सन है, या तो आपके साथ ये हुआ है या फिर आप किसी के साथ ये कर गए हैं। ठीक है, चेंज, यू वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन फॉर श्योर, यू लिटरली वॉन्ट टू ट्रैवल, यू वॉन्ट टू टेक दिस पर्सन समवेयर, उसको बिठाएं, उससे बात करें और आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं। बिल्कुल सिंपल है, आई मीन आज तो कोई वो है ही नहीं, क्या नाम है, मसले वाली बात बिल्कुल क्लियर है। क्लियर बोलते ना, चलो क्लियर है, पेप्सी पीते हैं बेड़ के, आ बेड़िया, आ जा बेड़िया। चले जी, और आपकी एनर्जी चेक करते हैं और फिर मैं आपके लिए एडवाइस निकालूँ। ठीक है, 45 ऑनवर्ड्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट मी नो मोर अबाउट इनकी एनर्जी, 45 से प्लस एज में जो लोग हैं उनकी एनर्जी मुझे बताइए। तीन कार्ड्स आ गए, सिक्स चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, अवेकनिंग, द गार्डन एंड द गेट, 30। आपके पास इस वक्त लाइफ में सब कुछ है लेकिन आप उदास हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, गिव योर सेल्फ सम टाइम, आप मेडिटेट करेंगे, आपको सोल्यूशन खुद ब खुद मिलेगा। ठीक है, आप चाह रहे हैं इस वक्त कि आप फॉर श्योर मेडिटेट करें ताकि आपको सोल्यूशन मिले और आप इस चीज़ को कर सकें, इसको अचीव कर सकें, खुश रह सकें। जो कुछ आपके अतराफ में सब कुछ है, यू आर जस्ट लिटिल स्टेप्स अवे फ्रॉम हैप्पीनेस, बट यू वॉन्ट, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ हो, जुड़ जाए, बात हो जाए, कर लें बात, फिर तोड़ दें अना का बैरियर, क्या होगा। वैसे ही आप थर्ड पार्टी में हैं, अगर बहुत किसी ने आपको तंग किया है, आपको हर्ट किया है और फिर भी आप उसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे,
तो देन हैव अ वर्ड ताकि आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि ये दुर फटे मुई लाइक था. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बात करने से दोबारा सिलसिला जुड़ जाएगा, देन गो अहेड, मेक अ मूव, टेक इनिशिएटिव एंड टॉक. मे बी ये इंसान भी इंतज़ार ही कर रहा हो कि आप कब कॉन्टैक्ट करेंगे. लेकिन भाई मैं वही कहती हूँ, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं. किसी ने आपको कुत्ता ख्वार जो है वो ख्वार कराया हो तो फिर तो सोचने का क्या मसला है, सोचने दे. सोचते तो हम भी बहुत कुछ है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए फिर ये एडवाइस क्या है. ये एडवाइस से है कह रहा. चले बल्कि यहाँ तो वो गाना ज्यादा फिट है क्योंकि एक ही बंदा आपके जहन में घूम रहा है, चाहे बंदा या बंदी है. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा. सॉरी, का कॉल कट गई थी. ओ, वीडियो कट गई थी, कॉल आ गई थी. इट्स अ कार्मिक लेसन. किसी ने आपके साथ किया, अब आपके साथ हो रहा है, या आपने किसी के साथ किया था, अब उसके साथ हो रहा है, अब आप ये बेयर करेंगे. इट्स अ कार्मिक साइकिल. तो हो रहा है, गुजरना है, इस चीज से गुजरना पड़ेगा. लीव इट ऑन द यूनिवर्स, इट विल बी रिजॉल्व ऑन इट्स ओन. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.